हरे कृष्णा राधे राधे। सक्सेस यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट रमेश कुमार सैनी। आप जो सामने प्रतिमा देख रहे हो, यह है माता वैष्णो देवी की। ये वह जगह है जहाँ पर लोग आते तो है पर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर प्रसन्न होकर यहाँ से वापस लौटते हैं। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे होंगे, माता वैष्णो देवी की प्रतिमा है। इस मंदिर में आपको स्वयं वैसा ही फील होता है जैसे कि आप लोग कटरा में जाते हो। तो ये जो धाम स्थित है माता वैष्णो देवी का, ये धाम स्थित है वृंदावन में। वृंदावन में छठीकरा के पास ही ये धाम स्थित है। यहाँ से हर रोज लाखों की संख्या में देश और विदेश से भक्तगण दर्शन करने आते हैं माता वैष्णो देवी के। तो आप देख रहे होंगे कि पूरे वृंदावन धाम की सबसे बड़ी प्रतिमा माता वैष्णो देवी की यह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप कि इस गुफा के अंदर, इस मंदिर के अंदर आने के लिए आपको मात्र 20 रुपये का टिकट लगता है। वो सबसे पहले आपको कटा लेना है टिकट। टिकट कटाने के बाद आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, अन्यथा आपको प्रवेश नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये पूरा एरिया है जहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है। आपको यहाँ पर साफ सफाई का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना होता है। आप देख लीजिए सामने कि माता वैष्णो देवी की प्रतिमा कितनी बड़ी है, और बगल में ही नीचे की साइड हनुमान जी का एक छोटा सा प्रतिमा यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके सामने छोटा सा है बट इतना छोटा भी नहीं है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, मैं आपको गुफा के अंदर लेकर चलूँगा इस वीडियो के माध्यम से, और दिखाऊँगा कि माता वैष्णो देवी का मंदिर अंदर से कैसा दिखता है। बहुत ही ज़ोरदार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आकर्षक मंदिर अंदर की अंदर है, नीचे की साइड। वहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँगा, बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आप देखिए कि कैसे भक्तगण इस गुफा के अंदर जा रहे हैं और माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर रहे हैं। तो आप चलिए थोड़ा नीचे की साइड और एंजॉय कीजिए यहाँ का दृश्य कैसा है, और जय माता का नारा लगाते हुए चलिए। तो थोड़ा एंजॉय कीजिए यहाँ का दृश्य। तो आप देख सकते हो कि हम गुफा के अंदर आ चुके हैं, माता वैष्णो देवी के मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ के मंदिर के दृश्य के बारे में क्या ही बोलना। आप देख सकते हो तो कितना शानदार, कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि दिन का समय है, फिर भी अंदर की तरफ पूरा अंधेरा होता है, इसलिए दिन भर यहाँ पर लाइट जली रहती, पूरी रोशनी से रंग भरंग यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा। तो आप इंजॉय कीजिए, देखिए इस मंदिर को। मैं आपको यहाँ पर पूरे के पूरे दर्शन करवाने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। आप देखिए सामने माता वैष्णो देवी का कितना शानदार मंदिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। देखिए ऊपर की साइड यहाँ पर जय माता दी भी लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को पूरा जूम करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि माता वैष्णो देवी की जो कटरा में स्थित मूर्तियाँ यहाँ पर आप लोगों को देखने के मिलेगी, वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो आप माता रानी की जय जरूर लिखे कमेंट में, और आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको आगे के भी दर्शन यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आप पहले माता रानी के दर्शन कर लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ता हूँ। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूँ और मंदिर का थोड़ा सा झलक मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मंदिर कितना शानदार है अंदर की साइड से। जब भी आप आए मंदिर में माता रानी के दर्शन करने, तो यहाँ पर फ़ोन अलाउ है, कैमरा अलाउ है, आप लेकर आ सकते हो, यहाँ पर अपने फ़ोटो खिंचवा सकते हो। कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 20 रुपये टिकट आप दे चुके हो प्रवेश करने का। तो आप देखिए अंदर से पूरा किस तरह से मंदिर बनाया हुआ है, पंखे चले हुए हैं, कोई किसी प्रकार की यहाँ पर समस्या नहीं होगी आप लोगों को। तो आप देखिए मंदिर की चमक धमक। तो आप देख सकते हो कि मैं पूरा मंदिर आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो एंजॉय कीजिए, आपको राम मंदिर देखिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।